ओम नमः शिवाय। दोस्तों, वृश्चिक राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए साल 2022 में नवंबर का महीना किस प्रकार जाने वाला है, यानी नवंबर का महीना क्या कुछ खास संभावना वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में लेकर आया हुआ है, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो यह राशिफल वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर जरूर देखें। इस महीने वृश्चिक राशि वाले जातकों को ग्रहों की गोचरी स्थितियों के आधार पर किन किन क्षेत्रों में बड़ी उपलब्धि देखने के लिए मिल सकती है और कहां पर वृश्चिक राशि वाले जातकों को चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, तो ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो इस राशिफल के दौरान वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में आपको जानकारी देंगे, जैसे वृश्चिक राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए कुछ धार्मिक उपाय। दर्शकों, राशिफल को हम प्रारंभ करें लेकिन उससे पूर्व आपको ग्रह स्थितियों की जानकारी दे रहे हैं। नवंबर 2022 में 5 बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है और ये परिवर्तन आपके जीवन में भी निश्चित ही परिवर्तन डालने में समर्थ रहेंगे। सबसे पहले 11 नवंबर को शुक्र का राशि परिवर्तन हो रहा है। शुक्र आपके राशि के 12वें भाव में मौजूद रहेंगे, तो 11 नवंबर को आपके लगन में आ जाएंगे। 13 नवंबर को बुधदेव वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, यानी आपकी राशि के द्वादश भाव से निकलकर आपके लगन में आ जाएंगे। 14 नवंबर को मंगल वक्री होकर वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, यानी आपके राशि के आयु भाव से निकलकर 14 नवंबर को आपके राशि के वैवाहिक भाव पर प्रवेश करेंगे। सूर्यदेव इस महीने आपके राशि के व्यय भाव से निकलकर 16 तारीख को आपके लगन में प्रवेश करेंगे। गुरु बृहस्पति आपके राशि के पंचम भाव में पूरे महीने भर गोचर करने वाले हैं और 24 नवंबर को पंचम भाव में वक्री से मार्गी भी हो रहे हैं। पूरे महीने भर शनि आपके राशि के पराक्रम में रहेंगे, राहु रोग भाव में और केतु देव आपके व्यय भाव में गोचरी स्थितियों में रहने वाले हैं। इस प्रकार की ग्रह स्थितियां वृश्चिक राशि वाले जातकों की राशि के ऊपर बनी हुई रहने वाली है। इसमें मेजर ग्रहों का राशि परिवर्तन बहुत ही कम हो रहा है, माइनर ग्रहों का राशि परिवर्तन काफी ज्यादा हो रहा है। तो अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए नवंबर का महीना क्या कुछ खास लेकर आया हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यावसायिक जीवन के मामले में। जहां तक बात करें कर्म क्षेत्र के मामले में, तो कर्म का विचार राशि के दशम भाव से किया जाता है। राशि के दशम भाव से कर्म, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार किया जाता है और आपके राशि के कर्म भाव के स्वामी बनते हैं सूर्यदेव। सूर्य महीने के 15 दिन तक आपके व्यय भाव में रहेंगे, उसके उपरांत आपके राशि के लगन भाव पर आ जाएंगे। राशि का जो दशम भाव है पूर्ण रूपेण प्रभावी बना हुआ है। तो कर्म के मामले में इस महीने वृश्चिक राशि वाले जातकों को श्रेष्ठ परिणाम मिलने की संभावना जीवन में देखने के लिए मिलने वाली है। राहु देव की पंचम दृष्टि आपके राशि के कर्म भाव पर जा रही है, तो जीवन में किसी प्रकार के कार्यों को आप करने में समर्थ रहेंगे। चुनौतीदायक कार्यों को करने में भी आप सफल रहेंगे और आसानी वाले कार्यों को भी करने में भी आप सफल रहेंगे। इस महीने ऐसे जातक जो सरकारी क्षेत्र में जुड़े हुए हैं और नौकरी पेशा हैं, उनके लिए पदोन्नति की विशेष संभावना 15 नवंबर 2022 के उपरांत देखने के लिए मिलने वाली है। लगन पर बना हुआ बुधादित्य योग आपके मान सम्मान में इस महीने वृद्धि करेगा। वहीं मेहनत के द्वारा आप जीवन में बड़े लक्ष्य को हासिल करने में भी सफल रहेंगे। जो भी जातक विदेश में रहकर कार्य व्यवसाय का संचालन करते हैं, उनके लिए समय काफी ज्यादा बेहतर रहेगा। इस महीने वृश्चिक राशि वाले जातकों को मान सम्मान की स्थितियां काफी ज्यादा देखने के लिए मिल सकती है। धन के मामले में अगर आपको जानकारी दें, आपके धन भाव के स्वामी बनते हैं गुरु बृहस्पति और गुरु 24 नवंबर को आपके राशि के पंचम भाव में मार्गी हो रहे हैं।
और राशि के लाभ भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव बना हुआ है। लाभ भाव के स्वामी बुधादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं। तो देखिए, आर्थिक मामलों के लिए भी यह महीना काफी ज्यादा बेहतर है। आर्थिक जीवन के मामले में इस महीने वृश्चिक राशि वाले जातकों को यदि समस्या बनी हुई थी, यानी यदि आप पूर्व के समय से धन के आयामों को लेकर काफी ज्यादा परेशान थे, तो उससे आपको निकलने में काफी ज्यादा राहत देखने के लिए इस महीने मिल सकती है। द्वितीय भाव यानी धन भाव पर लगातार शुभ ग्रहों का प्रभाव बना हुआ है, तो इस दौरान आपके जीवन में खर्चों में वृद्धि देखने के लिए भी मिल रही है और धन के आयामों में भी वृद्धि देखने के लिए मिल रही है। दर्शकों, भविष्य में आपका आर्थिक समन्वय खराब ना हो, इसके लिए सोच विचार कर धन का व्यय करना आपके लिए रहने वाला है। मनोरंजन और भौतिक सुखों के ऊपर इस महीने धन के व्यय की विशेष संभावना आपको देखने के लिए मिलने वाली है। इस महीने अगर आपकी राशि के लिए पारिवारिक जीवन के मामले में आपको जानकारी दिया जाए, पारिवारिक जीवन के लिहाज से नवंबर के महीने में वृश्चिक राशि वाले जातकों को अनुकूल परिणाम प्राप्त होने की संभावना बन रही है। मंगल की स्थिति काफी ज्यादा बेहतर है, तो इस दौरान घर परिवार के सदस्यों के साथ धार्मिक यात्राओं पर भी आप जा सकते हैं। नवंबर के महीने में कुटुंबी जनों के बीच में आपके सहयोग और उत्साह भरी स्थितियां देखने के लिए मिलेंगी। परिवार के सदस्यों का आपको भरपूर सहयोग देखने के लिए मिल सकता है। परिवार में खुशनुमा माहौल बना हुआ रहेगा। शनिदेव आपकी राशि के पराक्रम भाव में शुभ स्थितियों में मौजूद हैं, तो भाई बहनों का भी आपको भरपूर सहयोग देखने के लिए मिलने वाला है। इस महीने अगर आपके राशि के लिए प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में जानकारी दिया जाए, प्रेम संबंध के मामले में इस महीने वृश्चिक राशि वाले जातकों को उतार चढ़ाव का सामना ज्यादा करना पड़ेगा। गुरु बृहस्पति वक्री होकर आपकी राशि के पंचम भाव में मौजूद हैं, तो यदि आप किसी भी प्रकार की गहरी फ्रेंडशिप में हैं या प्रेम संबंध में हैं और प्रेम को यदि आप वैवाहिक जीवन में बदलने के लिए जा रहे हैं, तो आपको जीवन में रुकना चाहिए। लगन पर शुक्र, सूर्य और बुध का प्रभाव बना हुआ है, तो यह स्थिति आपके अंदर वासनात्मक क्रियाओं की ओर आपकी रुचि भी काफी ज्यादा ले जा सकती है। इसलिए दर्शकों को सावधानी ज्यादा बरतने की आवश्यकता प्रेम जीवन में रहने वाली है। वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, आपके राशि के सप्तम भाव के स्वामी राशि के लगन भाव पर और राशि के बारहवें भाव पर ज्यादा मौजूद रहेंगे, तो यहां पर वैवाहिक जीवन के मामले में आपको बेहतर परिणाम मिलने की संभावना बन रही है। जिन भी वृश्चिक राशि वाले जातकों को पूर्व के समय से संबंधों में तकरार और अनबन बनी हुई थी, नवंबर के महीने में वो दूर होती हुई दिखाई देगी। वैवाहिक जीवन में अनुकूल परिणाम मिलेगा। इस दौरान आपके पार्टनर का आपको भरपूर सहयोग देखने के लिए मिलेगा। भौतिक सुखों में वृद्धि देखने के लिए मिलेगी। जीवन में जीवन साथी का भी आपको भरपूर साथ और सहयोग देखने के लिए मिल सकता है। स्वास्थ्य के मामले में अगर आपको जानकारी दें, राशि के छठे भाव से रोग, ऋण और शत्रुओं का विचार करते हैं। पूरे महीने राहु देव आपकी राशि के छठे भाव में मौजूद रहेंगे। राशि स्वामी मंगल आपकी राशि के अष्टम भाव में 15 तारीख के उपरांत प्रवेश करेंगे। सेहत को लेकर बिल्कुल भी आपको लापरवाही नहीं बरतना है। 15 नवंबर के उपरांत यह महीना कठिनाइयों से भरा हुआ सेहत के मामले में रहेगा, क्योंकि आपकी संपूर्ण राशि को नियंत्रित रखने वाले ग्रह मंगल राशि के अष्टम में चले जाएंगे, तो इस दौरान आपको माइग्रेन, घबराहट और सिर दर्द की समस्या परेशान करेगी। खास तौर से वृश्चिक राशि वाले जातकों को यदि तला भुना भोज्य पदार्थों का यदि आप सेवन करते हैं, तो अपच, गैस और पेट जनित समस्याएं भी आपको लगातार परेशान कर सकती है। छठे भाव पर राहु की उपस्थिति को बेहतर कहा जाता है, परंतु लग्नेश यानी राशि स्वामी 15 तारीख के उपरांत राशि के अष्टम भाव में जा रहे हैं, तो 15 नवंबर 2022 के उपरांत आपको सेहत के प्रति विशेष सावधानी रखनी चाहिए। यदि आप वाहन चलाते हैं, तो वाहन चलाते समय भी आपको ज्यादा सावधानी रखनी चाहिए। इस पूरे महीने शराब, धूम्रपान और मांसाहार जैसे विषयों का सेवन करने से आपको बचना है। वहीं वृश्चिक राशि के ऐसे जातक जो भी
वसा युक्त भोज्य पदार्थ, चाय या शक्कर युक्त भोज्य पदार्थों का सेवन करते हैं तो इसको भी आपको ज्यादा मात्रा में सेवन करने से बचना चाहिए। तो ये पूरा महीना आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर रहेगा। अब अगर इस महीने धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए तो वृश्चिक राशि वाले जातकों को हनुमान जी की आराधना करने से विशेष लाभ होगा। हनुमान चालीसा का नियमित यदि आप पाठ करते हैं और मंगलवार के दिन यदि आप सुंदरकांड का पाठ परिवार के सदस्यों के साथ करते हैं, मीठे प्रसाद का भोग लगाते हैं, तो घर परिवार के साथ साथ आपके मन में भी उत्साह और मनोबल बना हुआ रहेगा और हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्या नहीं दिखाई देगी। इस महीने मंगलवार के दिन यदि आप जरूरतमंद बच्चों में नए वस्त्र दान करते हैं तो भी आपको लाभ होगा। मंगलवार के दिन बंदरों को यदि आप गुड़ और चने डालते हैं तो भी आपको लाभ होगा। एक खास बात आपको और ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहेगी, सूर्योदय के पहले प्रतिदिन आप सोकर जरूर उठें और सूर्य देव को जल अर्घ देना प्रारंभ करें। उम्मीद है यह जानकारी वृश्चिक राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। मिलते हैं एक नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय।